खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से है, जहां लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों में रोजगार के लिए रहने वाले ग्रामीणों का अपने गांव की ओर पलायन लगातार जारी है। पलायन करने वाले लोग अपने साथ छोटे बच्चों और महिलाओं को लेकर वाहनों के अभाव में पैदल ही निकल पड़े हैं। ऐसे में इन मजदूरों के पास रुपयों की कमी के चलते खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि गुलाबपुरा, जोधपुर समेत अन्य शहरों से सैकड़ों लोग पलायन कर रहे हैं। उधर मांडलगढ़ उपखंड मुख्यालय के कई गांवों में शहरों से आने वाले श्रमिकों का आना लगातार यहां पर जारी है। इसके चलते लोगों में वायरस के संक्रमण को लेकर कई तरीके की आशंकाएं बनने लगी है। के चलते पूरा भारत बंद है, इसके तहत लोग अपने घरों के अंदर बंद है। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग जो शहरों में काम करते हैं, उनको वहां के ठेकेदारों ने काम से निकाल दिया है और उनको बोल दिया है घर जाने के लिए। अब बेचारों के पास वाहन नहीं है, वाहन नहीं होने के अभाव में ये लोग जैसे तैसे करके लंबी दूरी तय कर रोड पर अपने गाँव की ओर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान हमें जोधपुर से झालावाड़ जाने के लिए कुछ लोग मिले, जिनका एक जत्था यहाँ मांडलगढ़ के होड़ा ग्राम में ठहरा हुआ है, जो यही भोजन खाना बना रहा है। मेरा कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि ये लोग जो जोधपुर से आए हैं, अब पता नहीं कैसे संघर्ष करके ये लोग झालावाड़ जाएंगे, इनको कितनी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि ये जो लोग पलायन कर रहे हैं, इस पलायन के ऊपर गौर करके इन लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालकर इनको इनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करानी चाहिए, ताकि इन लोगों को परेशानी नहीं हो। कैमरामैन सुरेश सेन के साथ केसरीमल मेवाड़ा, एवन टीवी, राजस्थान।